व्यूअर्स, आप सभी को आइडिया होगा कि बहुत सारे इंडियन कमेमोरेटिव कॉइन्स सर्कुलेटेड कॉइन्स होते हैं, यानी कि जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमेमोरेटिव कॉइन्स भी होते हैं जो सर्कुलेटेड होने के बावजूद भी जनरल सर्कुलेशन में बहुत ही कम नजर आते हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इन कॉइन्स का लो मिंटेज, यानी कि कम मात्रा में प्रोडक्शन बाय इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स। और ये एक मेजर फैक्टर बनता है इन कॉइन्स को कमेमोरेटिव कॉइन्स की रेयर कैटेगरी लिस्ट में शामिल करने में, और इस वजह से अक्सर इन कॉइन्स की डिमांड और वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही एक कॉइन के बारे में आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो जनरल सर्कुलेशन में बहुत ही कम नजर आया। व्यूअर्स, मुझे पर्सनली ये कॉइन आज तक कभी भी नॉर्मल सर्कुलेशन में नजर नहीं आया है, और इसी वजह से आज से लगभग 5 या 6 साल पहले मुझे ये कॉइन फाइनली परचेज करना पड़ा था अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए। ये कॉइन आता है आज की डेट में 2 रुपीज कमेमोरेटिव कॉइन्स की रेयर कैटेगरी लिस्ट में। आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को भी ये कॉइन नॉर्मल सर्कुलेशन में काफ़ी कम नज़र आया होगा, और ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी व्यूअर्स को ये कॉइन एकदम नया हो। तो आइए जानेंगे इस कॉइन को डिटेल में आगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, अभी तक आप सभी को ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक खास 2 रुपए के सिक्के के बारे में। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आप सभी को यहाँ पे दे देता हूँ। इंडिया में 2 रुपीज कमेमोरेटिव कॉइन की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1982, और वो हुई थी एशियन गेम्स के थीम वाले कॉइन से। और 2010 के बाद 2 रुपीज डिनोमिनेशन में कोई भी कमेमोरेटिव कॉइन नजर नहीं आया है, जिसे हम कह सकते हैं कि 2010 के बाद 2 रुपीज डिनोमिनेशन के स्मारक सिक्के इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिए गए। 2 रुपए के स्मारक सिक्कों के इस 28 साल के करियर में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन कमेमोरेटिव कॉइन्स भी नज़र आए, जो आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स की कलेक्शन में होंगे। और इसी के साथ साथ कुछ 2 रुपए के स्मारक सिक्के काफ़ी रेयर भी हो गए हैं आज की डेट तक आते आते, जैसे कि 2 रुपी एरर कॉइन ऑफ सुभाष चंद्र बोस 1996, 2 रुपी कॉइन ऑफ चित्रंजन दास 1998 फ्रॉम हैदराबाद मिंट। इन कॉइन्स पे हम ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके इन्हें चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही और रेयर 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन के बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ जनरल सर्कुलेशन में काफी कम नजर आने वाला इंडियन एयरफोर्स की प्लेटिनम जुबली पे इशू किया गया रेयर 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ इंडिया। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली जूम करते हैं इस कॉइन पे और जानते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ये है वो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की प्लेटिनम जुबली पे इशू किया गया रेयर 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ इंडिया। आप अच्छे से इस कॉइन को देख सकते हैं। कॉइन की डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस कॉइन की हिस्ट्री ब्रीफ में बता देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली एस्टेब्लिश की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को एज ऑक्सिलरी एयरफोर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उस टाइम इसे जाना जाता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक बना तो रॉयल प्रीफिक्स को नाम से हटा दिया गया, और उस टाइम से आज तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के इस विंग को इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि ईयर 2007 में इंडियन एयरफोर्स ने 75 ईयर्स कंप्लीट किए, इस उपलक्ष्य पे ये 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन्स जारी किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ये है कॉइन का ओवर साइड, जिसे हम कहते हैं हेड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। टॉप सेक्शन में हिंदी में लिखा गया है भारत और इंग्लिश में लिखा गया है इंडिया। सेंटर सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अशोक स्तंभ, जिसके नीचे हिंदी में लिखा गया है सत्यमेव जयते, और यहाँ पे है डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 2। और लास्ट सेक्शन में हिंदी में लिखा गया है रुपए और इंग्लिश में लिखा गया है रुपीस। ये है कॉइन का रिवर्स साइड, जिसे हम कहते हैं टेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी इमेज बनाई गई है, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा गया है इंडियन एयरफोर्स प्लेटिनम जुबली, और राइट में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में लिखा गया है प्लेटिनम जुबली भारतीय वायुसेना। और यहाँ पे डेट मेंशन है 1932 टू 2007।
जिसका मतलब है 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई और 2007 में इंडियन एयरफोर्स ने कंप्लीट किए 75 इयर्स यानी कि प्लेटिनम जुबली और 2007 में ही ये कॉइन जारी किए गए थे। तो आइए व्यूअर्स अब डिस्कस करते हैं इस इमेज को। इस कॉइन की इमेज में बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन करके दिखाया गया है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम 1932 टू 2007। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इमेज दिखाई गई है इंडियन एयरफोर्स के इनिशियल फाइटर एयरक्राफ्ट की जिसका नाम था वापिती और कैसे टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए इंडियन एयरफोर्स को उड़ान भरते हुए दिखाया गया है एक लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में जो कि है SU-30MKI। इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इस कॉइन में। आइए अब बात करते हैं इस कॉइन की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की। ये कॉइन बना है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल से आज तक सिर्फ 4 टाइप के 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन्स ही बने हैं और इस मेटल से इशू किया जाने वाला ये है पहला 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ इंडिया। इस कॉइन का शेप है सर्कुलर और इस कॉइन का स्टैंडर्ड वेट है 6 ग्राम्स। इस कॉइन के डायमीटर की अगर हम बात करें तो इस कॉइन का डायमीटर है 27 mm। और इस कॉइन का एज है प्लेन एज जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। इस कॉइन की मिंट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये कॉइन्स जारी किए गए थे सिर्फ कोलकाता मिंट से। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं ईयर के नीचे देयर इज नो मिंट मार्क जिसका मतलब ये कॉइन कोलकाता मिंट से इशू किया गया है। ये कॉइन्स नजर आए थे प्रूफ सेट कॉइन्स और UNC सेट कॉइन्स में भी इन द ईयर 2007 इशूड फ्रॉम कोलकाता मिंट। प्रूफ सेट कॉइन्स और UNC सेट कॉइन्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्यूअर्स आई होप आप सभी को इंडियन एयरफोर्स की प्लैटिनम जुबली पे इशू किया गया ये रेयर 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन काफी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगा होगा और आपने अच्छे से इसकी डिटेल्स को समझ लिया होगा। मुझे तो इस कॉइन का डिजाइन काफी ज्यादा अपीलिंग लगता है और इसके डिजाइन की वजह से ये कॉइन मेरा वन ऑफ द फेवरेट कमेमोरेटिव कॉइन्स में से भी एक है। आप सभी के भी कोई ना कोई फेवरेट कॉइन्स होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉइन्स रेयर हो या बहुत ज़्यादा कीमती हो, ये भी हो सकता है कि वो कॉइन्स आपको किसी डिज़ाइन की वजह से पसंद हो। तो ये चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो व्यूअर्स अब आते हैं वीडियो के लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में जहाँ हम डिस्कस करते हैं कॉइन्स की करंट एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये 2 रुपये का सिक्का इशू किया गया था सिर्फ कोलकाता मिंट से। कोलकाता मिंट से इशू किए गए इस कॉइन की आज की रेट में कॉस्ट है लगभग 300 to 500 rupees डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। 300 की बात करें तो वो है वेरी फाइन कंडीशन के लिए और 500 फॉर UNC स्टेट। व्यूअर्स ये कॉइन्स जारी किए गए थे प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में भी और दोनों ही सेट्स में नजर आए 100 rupees और 2 rupees डिनोमिनेशन के कॉइन्स। ये दोनों ही सेट्स जारी किए गए थे कोलकाता मिंट से। प्रूफ सेट्स की अगर हम बात करें तो इनका इशू प्राइस था 1378 rupees और आज की रेट में अगर आपको ये प्रूफ सेट किसी कलेक्टर या डीलर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा लगभग 5,000 to 6,000 rupees तक का। और यहीं अगर हम UNC सेट की बात करें तो इसका इशू प्राइस था 1089 rupees और आज की रेट में अगर ये UNC सेट आपको किसी कलेक्टर या डीलर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा लगभग 4,000 to 5,000 rupees तक का। व्यूअर्स ये तो हुई इन कॉइन्स की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स और मेरे हिसाब से ये 2 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो व्यूअर्स ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? क्या आपके पास है ये इंडियन एयरफोर्स पे इशू किया गया रेयर 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन? अगर है तो ये कॉइन आपको कैसे मिला, नॉर्मल सर्कुलेशन में मिला या आपने फिर इसे परचेज किया? अगर परचेज किया तो आपने कितने में परचेज किया? ये सभी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जान पाएं इस रेयर 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन के बारे में। और हम जल्दी लेकर आएंगे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग चिल्लर वीडियो आप सभी के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन जस्ट चिल्लर।